तो भाइयों, कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो क्या करना है? करना क्या करना है? पढ़ना है, एक दिन बाकी है, पढ़ लेते हैं। तुम लोग का दिमाग ख़राब है? साल भर तो पढ़े नहीं, एक दिन पढ़ के क्या कर लोगे? बात तो इसकी भी सही है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक और आइडिया है। चार चैप्टर की चीट में, चार चैप्टर की चीट तुम, और बीच का चार चैप्टर की चीट तुम बना लो। ये सही रहेगा, ये सही। तुम लोग का फिर से दिमाग ख़राब हो रहा है? अगर चीटिंग करते करते पकड़ा आ गए ना, तो इसी स्कूल में प्यून बनना पड़ेगा। बात तो इसकी भी सही। मैं हमेशा काम की बात बोलता हूँ। तो मेरे पास एक और आइडिया है, बताओ। हम लोग अपने स्कूल के प्यून को ही खरीद लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, ये सही। तुम लोग का दिमाग ख़राब है क्या? कभी कभार प्यून भी अपने मालिक के लिए वफादार हो जाते हैं। अगर प्रिंसिपल को जाके बता देंगे तो प्रिंसिपल अपना सीट ऐसे करेगा बस। और क्या करें। हाँ, जो अपने क्लास में टॉपर अम्बरीश है, काम करते हैं उसको खरीद लेते हैं, वो बहुत काम आएगा एग्जाम में, सब बताएगा। भाई, ये टॉपर ऐसा है ना कि ये चीटिंग वीटिंग कराने वाला है नहीं, उल्टा बिकेगा नहीं, हम लोग को बेच देगा। भाई, ये अम्बरीश ना इतना बड़ा टॉपर है, इतना बड़ा चाटू है कि अपने बुक को चाट ले तो सब रट जाता है इसको। अगर गलती से भी क्लास के टाइम उठ के बोल दिया मैम ये चीटिंग ना, फिर अपने स्कूल में प्यून भी ना बनने को मिलेगा, फिर घर वाले जो लात मारेंगे वो अलग। तो एक ही रास्ता बच रहा है, एक ही काम कर सकते हैं हम लोग। पूछो क्या क्या। देखो यार, तीन तीन साल हम लोग फेल हो ही चुके हैं। इस बार अगर पास हो जाते हैं तो तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा। इस साल पास हो गया, अगले साल फिर फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो एक काम करते हैं, इस साल भी फेल हो जाते हैं, समझे? और फिर अगले साल देखेंगे। यही करना पड़ेगा, और क्या क्या बाकी है, यही करना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 ही साल फेल हुआ हूँ। तो एक काम कर, तो 2 साल फेल हो जाए, इस साल भी फेल हो जाएगा तो तुम्हारा 3रा साल हो जाएगा, और अगले साल भी फेल हो जाएगा, तुम बराबर हो जाओगे, ठीक है? ये सही, ये सही है, ये सही है। कसला और ये पबजी खेलोगे, क्या खेलोगे अब तो? खेल पबजी खेलते हैं, ऐसा करते हैं कि हम लोग फ्री फायर खेलते हैं।